आज हम बनाते हैं नेनुआ की सब्जी। तो नेनुआ मैंने देखिए कितना ये फ्रेश है, मैंने नेनुआ को धो लिया है और धो के मैं इसको छील लेती हूँ। तो हमारा ये नेनुआ कितना खींचा है देखिए, नाखून इसमें गड़ जा रहा है। तो हम इसको ज़्यादा नहीं छीलेंगे, इसको ज़्यादा भी छील सकते हैं लेकिन हमारा ये ज़्यादा गुद्दा वाला छिला रहा है, तो मैं इसको पूरा छील ले रही हूँ, कहीं बचेगा उस पर कोई मैंने वो नहीं है। तो ऐसे कर कर के मैं सारे छील लूंगी। देखिए क्योंकि छीलने से अच्छा बनता है, ऐसे नहीं बनाते हैं नेनुआ। नेनुआ को पहले छील के इसे छिलका को अलग कर लेते हैं। मैं इसको अब धो लूंगी, इसको धोने के बाद तब काटूंगी, क्योंकि जो इसमें के जो लस्सा टाइप का आता है वो धुल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको छील लिया है, अब मैं इसे धो लूंगी, इसे धो के काट लेती हूँ मैं। तो देखिए हमारा ये सारा नेनुआ मैंने छील ली है और छील के मैंने प्याज भी ले रखी हूँ। प्याज इसमें पूरा चाहिए, नेनुआ में प्याज पूरा चाहिए। और ये हमारा हरी मिर्ची है, तो मैं इस प्याज को छील ली हूँ, छील के धो के फ्रेश कर ली हूँ। और ये हमारा मैं इसको भी मैंने नेनुआ को भी छील लिया है और फ्रेश कर लिया है, तो मैं इसे काट लेती हूँ। और मैंने चना के दाल भी ले रखी है, तो मैंने चना के दाल भी फुला ली थी। देखिए तो चना के दाल मैं आधा घंटा पहले फुलाई थी, तो ये हमारा चना के दाल है। तो चना के दाल डाल के बनाऊंगी आज मैं नेनुआ की सब्जी। तो मैं सारे नेनुआ काट ले रही हूँ। देखिए मैं नेनुआ को गोल टाइप का काट ले रही हूँ। सारे मैं इसी तरह काट लूंगी, आप चाहे तो लंबा भी काट सकते हैं, आपको जैसे मन चाहे उसे काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं, लेकिन हाँ पतला पतला कटना चाहिए, मोटा नहीं कटना चाहिए। पतला काटने से क्या होता है कि जल्दी गल जाता है, जल्दी पानी छोड़ देता है। तो मैं ऐसे गोल गोल काट लेती हूँ क्योंकि ये गोल गोल काटने में आसानी होती है मुझे। ऐसे कर करके मैं सारे काट लेती हूँ। तो अब हमारा देखिए मैंने नेनुआ को गोल गोल काट लिए, देख सकते हैं ज़्यादा मोटा नहीं है और ना ज़्यादा पतला है। तो मैंने नेनुआ भी काट लिया और देख सकते हैं मैंने प्याज भी तैयारी कर रखी है काट के, और ये हरी मिर्ची भी मैंने काट रखी है। और मैंने आधा घंटा पहले दाल रखी थी फूलने के लिए, चना का दाल है ये। तो हमारा ये चना के दाल फूल चुका है और मैंने मसालादार बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने काली मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मैंने नमक ले लिया है। तो अब मैं तड़के के लिए जीरा डालूंगी, तो मैं जीरा डालूंगी इसमें। मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, मैं थोड़ा तेल डाल लेती हूँ। तेल में डाल ली, इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगता है मैंने ज़्यादा तेल डाल चुका है, तो मैं इसे थोड़ा निकाल ले रही थी। तो हमारा ये तेल गरम हो गया है, अब उसमें हम तड़के के लिए मैंने जीरा आपको दिखाई थी, तो मैंने जीरा डाल दे रही हूँ। हाँ
हमारा ये जीरा जल चुका है, अब हम उसमें हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे। मीठा मीठा इसका सब्जी अच्छा लगता है, तो मैं सब कुछ इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसको मैं पहले अच्छी तरह से चला लूंगी, चला के मैं इसे ढक दूंगी कि थोड़ा पानी छोड़ेगा तो सूख जाएगा, तो मैं चला के थोड़ा ढक दूंगी इसको। उसके बाद तब मैं मसाला ऐड करूंगी, तो थोड़ा पानी छोड़ देगा फिर मैं मसाला को ऐड कर लूंगी। मैं चना दाल भी डाल दे रही हूँ इसी में, ये भी इसमें फूलता रहेगा और भी सूख जाएगा। मैंने चना के दाल भी ऐड कर ली है और मैं इसको चला के ढक दूंगी। आपको पता ही है कि ज्यादातर बच्चे या बड़े इसको पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैं मसाले वाले बनाऊंगी, थोड़ा मीठा और तीखा लगे, और कोई कोई बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। खास करके मैं देखती हूँ कि बच्चे ज्यादातर नहीं पसंद करते हैं, जो भी मैं बना रही हूँ तड़का मसाले वाला। अब मैं इसे ढक दूंगी, इससे क्या होता है बच्चे भी अच्छा से चाव से खा लेते हैं और बड़े भी, किंतु जो बच्चे चटपटा खाते हैं इसके लिए मैं मसालेदार ही अच्छा लगेगा, जो मीठा बच्चा खाता है या बड़े तो इसके लिए सिर्फ हल्दी ही डाल के बनेगी, इसलिए मैं मसाले वाली बना रही हूँ। मैं मीडियम फ्लेम पे कर दे रही हूँ कि पानी छोड़ेगा, ये पानी छोड़ेगा जब ये सीखेगा, उसके बाद में तेज कर लूंगी। अभी फिलहाल पानी नहीं छोड़ा है तो ये नीचे लग सकता है, तो मैं इसको कम कर दे रही हूँ चूल्हे को। देखिए अब ये हमारा सब्जी गलने लगा है, तो अब हम इसमें मसाला को भी ऐड कर लेंगे। देखिए ये पानी छोड़ने लगा है, देखिए, तो मैं अब मसाले को भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मसाला हमें इसी पानी से पकाना भी है, तो मैं इसमें मसाले को भी ऐड कर ली हूँ। चटपटेदार बनाऊंगी, अच्छी लगती है चटपटा वाला, बिल्कुल हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अभी इसको हम फिलहाल अभी मीडियम ही आंच पे रखेंगे, इसलिए कभी पूरी अच्छी तरह से पानी नहीं छोड़ा है, जल भी सकता है, इसके वजह से मैं मीडियम आंच पे रखूंगी। अभी उतना नहीं पानी छोड़ा है जितना कि इसको छोड़ना चाहिए, तो मैं इसको ढक दूंगी या बीच बीच में चलाती रहूंगी। देख सकते हैं इसमें पानी छोड़ दिया है, देखिए कलर भी बहुत ही अच्छी आ गई है सब्जी की। अभी हम इसे और अभी सीझा हुआ नहीं है अच्छा से, ये अभी और सीझेगा। अभी हमारा ये मीडियम ही आंच पे है, इसमें ज्यादा पानी नहीं छोड़ा है, इसलिए ज्यादा पानी नहीं छोड़ा है क्योंकि मैं सब्जी को नेनुआ को छील कर और धो के निकाल ली थी, इसलिए ज्यादा ये पानी नहीं छोड़ा है। अगर जब हम पानी में छोड़ देते तो ज्यादा ये पानी छोड़ने लगता है, तो मैंने नेनुआ को छील लिया था, छील के धो के हाथ ही हाथ निकाल के साइड कर ली थी, इसलिए ज्यादा पानी नहीं छोड़ा है। अभी हमारा ये मीडियम ही आंच पे है, तो मैं इसे रुक रुक के चलाती रहूंगी।
हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं। आपको लगे कि थोड़ा ये खड़ा खड़ा दिख रहा, तो आप इस छोलने के हिसाब से आप इसको थोड़ा अच्छा से कट करके मिला लीजिए। देखिए हमारा ये सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। देखिए ये हमारा सब्जी बनके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है, तो प्लीज आप खा के बताइए कि कैसा लग रहा है।